आज़ादी के इतने सालों के बाद इस देश में हम सभी चीज़ों में आज़ादी खोजते हैं। बोलने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, देश के किसी भी कोने में रहने की आज़ादी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश का एक कोना ऐसा भी है जहां लोग पानी को जादुई भरी नज़रों से देखते हैं। पानी का सप्लाई मतलब एक अजूबा। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में बिना पानी के गांव की कहानी। 30 अगस्त को पहली बार 76 वर्षीय अंजारिया यादव ने उत्तर प्रदेश के लहुरिया दाह गांव में नल से पानी बहता देखा। उनकी तरह पूरा गांव जानता था इस जादू के लिए किसे धन्यवाद देना है। पानी देखकर गांव के लोगों की आंखें चमक गई थी। ये और कोई नहीं, यह डीएम साहब जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल थे जिन्होंने इससे संभव बनाया। मध्य प्रदेश में रीवा की ओर जाने वाले राजमार्ग पर अपने बेटे की चाय की दुकान पर बैठी अंजुरिया यादव ने कहा कि सिर्फ डीएम साहब की देन ही है। लहुरिया दाह पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के अर्ध शुष्क परिदृश्य में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। गांव के निवासियों का कहना है कि वे अब तक टैंकरों पर निर्भर है जो प्रति व्यक्ति 15 से 30 लीटर पानी लगभग 1 किलोमीटर दूर एक छोटा झरना और एक कुआं प्रदान करते हैं, जिसकी मरम्मत तब की गई थी जब सितंबर में जिले में तैनात होने के बाद सबसे पहले जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने पहल की थी। मिर्जापुर जिले का अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां लहुरिया दाह स्थित है पानी की कमी से लंबे समय से जूझ रहा है। स्थानीय लोग टैंकरों पर निर्भर है जो न्यूनतम पानी की आपूर्ति एक दूर का जलाशय और एक कुआं प्रदान करते हैं, जिसकी मरम्मत उसके समय से ही मित्तल के नेतृत्व में की गई थी। 30 अगस्त को गांव में पाइप से पानी पहुंचने के बाद मित्तल, जिनकी उम्र 39 वर्ष है, ने एक छोटा सा जल पूजन आयोजित किया। यह जल पूजन गांव के लोगों के लिए बहुत खास था, जहां उन्होंने पहली बार बहते पानी वाला नल देखा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गांव के लोग अपने गांव में जहां उन्होंने सिर्फ कुएं और झरने से बहते हुए पानी को देखा था, आज नल से पहली बार बहता हुआ पानी देखा। गांव के लोगों में उत्सव का माहौल था। गांव में नल से पानी आना किसी त्योहार से कम नहीं था। गांव में हुए छोटे से कार्यक्रम के बाद मित्तल ने ट्वीट कर अपने दिल की बात बताई। आज मेरा दिल भरा हुआ है। लहुरिया दाह में मेरी और वहाँ के लोगों की आंखों में पानी बह रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद भी गांव के लोगों को पानी तक पहुंच नहीं थी। जब मैं पहली बार वहां गया तो गांव वालों के सामने अपनी बोतल से पानी पीने की हिम्मत नहीं हुई। टैंकरों से पानी जारी करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। लोग अपनी बेटियों की शादी इस गांव में नहीं करते थे, लेकिन कल यह बदल गया। 9 महीने के समर्पित कार्य के बाद हमारी टीम ने भूगोल, वित्त और अन्य रसद की चुनौतियों को पार कर लिया, जिसे लोग असंभव कहते थे। आज हर घर जल योजना के माध्यम से गांव के हर घर में सीधे स्वच्छ सुरक्षित पानी की आपूर्ति के लिए पाइप कनेक्शन शुरू किया गया। उन्होंने साथ में लिखा, आज जैसे दिन सभी संघर्षों को सार्थक बनाते हैं। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं और साथ मिलकर हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लहुरिया दाह गांव के निवासियों के जीवन को बदलने वाले एक हृदय स्पर्शी प्रयास में जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने उनके घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति को सफलतापूर्वक पूरा किया। हालांकि सराहनीय उपलब्धि के बावजूद मित्तल को पूर्वी यूपी के बस्ती जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। इस घटनाक्रम से गांव के लोग काफी निराश हैं। दुखद बात यह है कि 4 सितंबर को असामाजिक तत्वों द्वारा गांव में पानी की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन को तोड़ दिया गया, जिससे पानी की आपूर्ति एक बार फिर से बंद हो गई है। लहुरिया दाह के ग्रामीणों के लिए मित्तल का स्थानांतरण बेहद निराशजनक रहा। अंजारिया यादव के बेटे हीरालाल ने इसकी तुलना किसी प्रियजन को खोने से की और समुदाय सदमे में और शोक में डूब गया। लगभग 1500 की आबादी वाला यह गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे अविकसित क्षेत्रों में से एक है, जो मुख्य रूप से दलित समुदाय के सदस्यों द्वारा बसा हुआ है। टैंकरों से पानी उपलब्ध कराने के आर्थिक बोझ ने देवहट ग्राम सभा को भारी कर्जदार बना दिया है। देवहट के ग्राम प्रधान कौशलेंद्र कुमार गुप्ता, जिसमें लहुरिया दाह सहित 15 छोटे गांव शामिल हैं, ने कहा, प्रधान बनने के बाद से मैंने सभी को लिखा है, सांसद, विधायक, मंत्री, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। झूठे वादे किए। नई डीएम आई और मैंने उन्हें लिखा और जो पिछले साल 2 नवंबर को यहाँ आई थी, उन्होंने वादा किया था कि हमें पानी देंगी और आज आप देख सकते हैं कि प्रत्येक घर में नल और पानी का कनेक्शन है। गाँव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बैठे गुप्ता ने जोर देकर कहा,
पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्राम नेताओं के लगातार प्रयासों के बावजूद केवल मित्तल के नेतृत्व में ही लाहौलिया दाह को घर घर में पाइप से पानी का कनेक्शन मिला। जल संकट के कारण ग्रामीणों को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ा है। बाहरी लोग अपने बेटे और बेटियों की शादी गांव में रहने वाले परिवारों में करने से झिझकते हैं। अब पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण गांव टैंकरों पर निर्भर हो गया है, जिससे इसके निवासियों विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए कठिनाई पैदा हो गई है, जिन्हें दूर के स्रोतों से पानी लाना पड़ता है। मित्तल के विदाई के दिन लाहौलिया दाह के निवासी उनका आभार व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने 30-40 लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचाने के लिए 5 कारों की व्यवस्था की, जहां मिर्जापुर के सभी कोनों से लोग शामिल हुए और मित्तल की समर्पित सेवा की सराहना की। एक भावनात्मक वीडियो क्लिप में उस क्षण को कैद किया गया जब उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई है और स्पष्ट रूप से प्रभावित होकर मित्तल ने सभा को हार्दिक धन्यवाद दिया। IIM बैंगलोर से MBA और IIT दिल्ली से बीटेक करने वाली उच्च शिक्षित मित्तल ने गांव में पानी की सफल डिलीवरी पर अपनी खुशी पर जोर देते हुए मिर्जापुर निवासियों से मिले समर्थन और प्यार के लिए आभार भी व्यक्त किया। उम्मीद है आपको ये स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।